जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये कोरोना महामारी का समय चल रहा है और ये कोरोना एक ऐसा वायरस है जो बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर पहुंच जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी या समस्याएं आनी चालू हो जाती हैं। तो कोरोना जो ये वायरस है ये उन व्यक्तियों को ज़्यादा प्रभावित करता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, और उन व्यक्तियों को प्रभावित नहीं कर पाता है जिन व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम मजबूत है। तो इम्यून सिस्टम किन व्यक्तियों का कम होता है वो एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कैंसर के मरीज हैं, कैंसर के मरीज या तो कैंसर की बीमारी की वजह से या कैंसर का जो उनका इलाज चलता है उसकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। ऐसे में ये संभावना बन जाती है कि कोरोना का संक्रमण इन कैंसर पेशेंट्स में ज्यादा हो सकता है और मरीज को हो सकता है इसमें थोड़ी परेशानी भी हो। यदि आप पूरी प्रिकॉशन लेते हैं या जो आपके जो ट्रीटमेंट करने वाले जो कैंसर विशेषज्ञ हैं उनकी अगर आप सलाह से इलाज लेते हैं तो हो सकता है कि हम आपको इस दुविधा से भी निकाल पाएंगे। हमने महावीर कैंसर अस्पताल में जब से कोरोना महामारी चालू हुई है इलाज बिल्कुल नहीं रोका और पूरी प्रिकॉशन लेते हुए हम सर्जरी भी कर रहे हैं, कीमोथेरेपी भी कर रहे हैं और रेडियोथेरेपी भी कर रहे हैं। कीमोथेरेपी में थोड़ा बहुत चेंज आपको हम बताने के लिए कह सकते हैं जिससे आपको बार बार अस्पताल नहीं आना पड़े। तो कीमोथेरेपी जहाँ 5 से 7 दिन या 3 से 5 दिन भर्ती होकर करनी होती है, हम ऐसी कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा प्रोटोकॉल दें जिसमें आप सुबह आएं और शाम को चले जाएं। साथ ही साथ हम ऐसा प्रोटोकॉल देने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको अस्पताल बार बार आने की जरूरत नहीं पड़े। हम आपको अपना फोन नंबर देंगे जिससे आप हमसे फोन से संपर्क कर सकते हैं या टेलीमेडिसिन से भी संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे मरीज जिनको ओरल टेबलेट चल रही हैं, जैसे हार्मोन की टेबलेट चल रही हैं, उन्हें तो हम खुद ही बोल रहे हैं कि 6-6 महीने से ही आए, 3-3 महीने से भी आने की जरूरत नहीं है। अगर कैंसर विशेषज्ञ की देख रेख में आप इस कोरोना महामारी में भी इलाज कराएंगे तो मेरी पूरी आशा है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप अपना ट्रीटमेंट पूरी अच्छी तरह से ले पाएंगे और आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। यही मेरा आपसे कहना है, डरने की कोई बात नहीं है।